फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दी है. उनका कहना है कि अनिल अंबानी की कंपनी को चुनने में उनका कोई डिसीजन नहीं था. फ्रांस के राष्ट्रपति एक्स राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अनिल अंबानी को जो हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला वो कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी के कहने पे दिया गया था. मतलब फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं. मैक्रोन जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आनंद शर्मा जी थे, उस मीटिंग में एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठे थे और शायद उस मीटिंग के रिकॉर्ड भी होंगे. उस मीटिंग में मैक्रोन ने सीधा बोला कि प्राइस इज नॉट इन एनी सीक्रेट एग्रीमेंट. हिंदुस्तान की सरकार राफेल की प्राइस किसी को भी बताना चाहती है बता सकती है. निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में दो तीन उल्टी चीजें बोली बट बेसिकली झूठ बोला. सच्चाई क्या निकली? जो हवाई जहाज 526 करोड़ क्या यूपीए ने खरीदा था वो नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी की मदद करने के लिए, अनिल अंबानी के जेब में 30,000 करोड़ रुपए डालने के लिए 1600 करोड़ रुपए में खरीदा और ये साबित हो गया है. अनिल अंबानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट के 12 दिन पहले एक नई कंपनी तैयार की. अनिल अंबानी ने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया. एचएएल से आपने कॉन्ट्रैक्ट छीना. निर्मला सीतारमण जी कहती हैं एचएएल तो ये कर ही नहीं सकता और एचएएल के सीनियर ऑफिसर ने बोला कि नहीं झूठ बोल रही है. कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में आया कि नहीं एचएएल बिल्कुल डिलीवर कर सकता था. तो रियलिटी ये है कि एक के बाद एक लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठ किसके लिए बोल रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल क्लियर है. निर्मला सीतारमन जी ने, पारिकर जी ने, अरुण जेटली जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया. नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. तो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री की रक्षा का है. बट जो भी वो कहना चाहते हैं कहें. हिंदुस्तान के युवाओं आप एक बात अच्छी तरह सुनो. आपने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया था. नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट स्वयं पर्सनली अनिल अंबानी जी को दिया. अनिल अंबानी जी ने अपनी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया. अनिल अंबानी जी का 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है. अनिल अंबानी जी ने कंपनी 10 दिन पहले खोली. नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला, हिंदुस्तान के जवानों के जेब में से पैसा निकाला, उनके परिवारों के जेब में से पैसा निकाला और अनिल अंबानी के जेब में डाला. मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति पे आपने भरोसा किया था उस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा है. और आज जब फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि नहीं, फ्रांस की सरकार डसॉल्ट ने अनिल अंबानी को नहीं चुना, नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को चुना, तो आपके और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है. सन्नाटा छाया हुआ है. डिफेंस मिनिस्टर बोलेंगी, अरुण जेटली जी बोलेंगे, मगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते हैं. क्यों नहीं बोल सकते मैं आपको बताता हूं. और आपने देखा होगा युवाओं पार्लियामेंट में जब मैं उनके सामने खड़ा था और जब मैंने उनके सामने ये चीजें रखी, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, 1600 करोड़, अंबानी जी का जीरो एक्सपीरियंस, एचएएल का 70 साल का एक्सपीरियंस, 10 दिन पहले कंपनी खुलती है, नरेंद्र मोदी जी ने आंख में आंख नहीं मिलाई. जैसे मैं आपकी आंख में देख रहा हूं ना, ऐसे नहीं किया. जब मैंने उनसे बोला नरेंद्र मोदी कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी उधर देखें, कभी उधर देखें, देश का चौकीदार
चोरी कर गया।